आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। हमने ग्वार में देखा है कि जो प्राइसेस हैं ऊपरी स्तरों से थोड़े नीचे गिरे हैं। अब कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी है, ग्वार की फंडामेंटल्स भी मजबूत ही हैं नज़र आ रहे हैं, पिछले साल वाले भी अभी तक भी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अब ग्वार में कैसा कारोबार रहने की संभावना है और आज क्या संभावना बनती है इसकी? देखिए, ग्वार सीड के अंदर जो महत्वपूर्ण लेबल्स हैं, आपने देखा हुआ है कि ये 57-58 सौ तक की 5,900 के स्तर तक गिरता है और उसके बाद धीरे धीरे ये 63-64-65 सौ के आसपास आता है और यही इसकी रेंज चल रही है। तो अभी क्योंकि 6,500 से ऊपर का भाव है अभी, तो ये बिल्कुल मिड में है। तो मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव जारी रह सकता है और ग्वार के अंदर जो पिछले 1.5-2 महीने की जो गतिविधियां हैं उससे धीरे धीरे इसके अंदर जो छोटी अवधि के ग्वार के खिलाड़ी हैं या ग्वार के अंदर निवेश करते हैं या एनसीडेक्स पे सौदे करते हैं वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है। और ये भी गौरतलब है कि ग्वार सीड के जो पक्के व्यापारी हैं जिनका अपना कारोबार है वो अब इस मैदान के अंदर मुझे लगता है बात आ गए हैं। तो कुल मिला के ग्वार के फंडामेंटल तो मजबूत हैं लेकिन जो छोटी अवधि के में है उसके अंदर कुछ वॉलिटिलिटी बनी रहने की संभावनाएं अधिक नजर आ रही है। छोटे कारोबारी ग्वार से दूर हटे हैं तो बेहतर है, एक बार उसको जब मूवमेंट में आए फिर दोबारा एंट्री कर सकते हैं। जी अखिलेश जी। जी गणेश जी, गणेश जी आपको क्या लग रहा है, क्या 2022 में ग्वार की जो बुआई होगी और जो आगे उत्पादन होगा वो 2021-22 के मुकाबले कम रहेगा या फिर ज्यादा? जिस हिसाब से अब प्राइसेस हैं तो क्या किसानों को कीमतें लुभा पाएंगी, क्या इस बार बुआई ज्यादा देखने को मिल पाएगी ग्वार की? देखिए, जहां तक ग्वार का ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात है तो ग्वार के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि ग्वार में इस साल निराश किया है। ग्वार ने 4700 रुपए से बढ़कर 7000 से ऊपर का भाव देखा, लगभग डबल था, तो ग्वार ने अच्छी मूवमेंट दी है। लेकिन ग्वार का जो बिजाई और वो निर्भर भी करेगा साउथ वेस्ट मानसून की स्थिति पर, क्योंकि ग्वार के अंदर बिजाई के साथ साथ मानसून की मेहरबानी भी ग्वार की पैदावार को असर डालती है। और जहां तक सवाल यह है कि जैसे पिछले साल का हमने देखा था कि बहुत कम रकबा ग्वार सीड का था क्योंकि किसान परेशान थे और उनको लाभ भी नहीं मिला था, लेकिन कहा जाता है कि यदि उचित मुनाफा मिलने पर यदि आप नहीं मुनाफा वसूल करते हैं तो फिर परेशानी आती है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि जब 7000 का के आसपास से ऊपर का भाव अपने को मिला तो उस लेवल के ऊपर भी यदि आप नहीं मुनाफा वसूल करेंगे, जो किसानों, मैं किसानों की बात कर रहा हूं और उन कारोबारियों की बात कर रहा हूं कि जिन्होंने ग्वार होल्ड करके रखा था, लेकिन अब आपका सवाल है सन 2022 के अंदर ग्वार किसान बोएंगे कि नहीं बोएंगे। देखिए, जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो ग्वार की ज्यादातर बुआई उन इलाकों में है जहां पर पानी की कमी है और वहां पे 1 या 2 या 3 अच्छी बरसात हो जाती है तो ग्वार की फसल को मदद मिलती है, और अभी मानसून ठीक नहीं रहता है तो ग्वार नहीं हो पाता है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर हर जगह नहर का पानी उपलब्ध नहीं है और जो नहरी इलाके हैं, नहरी इलाकों के अंदर आप दूसरी फसलें भी बहुत ज्यादा बोई जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ग्वार के ऊपर इस प्रश्न के जवाब के लिए अभी 15 से 20 दिन का इंतजार करना चाहिए कि हम एक साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर एक विशेष रिपोर्ट लेके आएंगे हर साल की तरह। आपको याद होगा साल 2021 के अंदर हमने साउथ वेस्ट मानसून पर एक विशेष विश्लेषण किया था जो कि चमत्कार कर देने वाला था, कि आपको याद होगा कि भारतीय मौसम विज्ञान ने कहा था कि जुलाई अगस्त के अंदर औसत से अधिक बरसात होनी चाहिए, जबकि हमने इसकी खिलाफत करते हुए कहा था कि जुलाई अगस्त में औसत से कम बरसात होगी, जबकि अगस्त सितंबर और अक्टूबर तक बरसात रह सकती है और वो औसत से अधिक बरसात होगी। और वैसे ही हुआ था, पिछले साल 2021 के अंदर जुलाई और अगस्त के अंदर औसत से 30% की बहुत बड़ी कमी
बरसात में रही थी, मानसून में रही थी, जिससे किसानों के चेहरे मुरझा गए थे। और उसके बाद जब सितंबर और अक्टूबर में बरसात औसत से 30% अधिक हुई थी, जो फसलें बची थी उनको फसलों को अधिक और तेज बरसात ने बर्बाद कर दिया था, उसमें सोयाबीन और कपास शामिल है, आपको याद होगा। तो जून महीने के मध्य के अंदर हम आपको इस चीज का भी खुलासा करेंगे कि साउथ वेस्ट मानसून इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस यानी भारतीय सिस्टम ऑफ एनालिसिस या भारतीय विश्लेषण पद्धति के हिसाब से ये कैसा रह सकता है, क्योंकि ज्योतिष के अंदर इसके ऊपर बहुत बड़ा अनुसंधान हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ ऋषि मुनियों का कि इन्होंने इतना सटीक विश्लेषण करने का सिस्टम बनाया हुआ है जो बहुत कम गलत साबित होता है, जबकि हमारे पास कोई किसी भी किस्म की कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई बहुत बड़ी विश्लेषकों की टीम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मौसम के ऊपर हमारी सटीक विश्लेषण होता है। ये अखिलेश जी। जी कन्हैया जी, आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। झटपट दुकान स्टोर बनाने से